हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल अस्ता। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं AN-32 विमान के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को अभी पता चला होगा कि AN-32 हमारा जो विमान है वो लापता हो गया है, उसका अभी तक मलबा भी नहीं मिला। इसमें 8 क्रू मेंबर सहित 13 यात्री सवार थे। दोस्तों हालांकि इंडियन एयरफोर्स के AN-32 के बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन AN-32 सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है और यही वजह है कि AN-32 को दुनिया के 10 देश संचालित कर रहे हैं और भारत में तो कम से कम 105 विमान अभी तक अपनी सर्विस दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दो इंजन वाला AN-32 विमान भारतीय एयरफोर्स में बड़े काम का विमान माना जाता है। ये रूसी विमान AN-26 का आधुनिक वर्जन है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त, यानी कि जिस समय इंदिरा गांधी शासन कर रही थी, उस समय भारत के रूस के साथ एक अच्छे दोस्ताना संबंध थे और इसी बीच भारतीय वायुसेना की जरूरतों को देखते हुए AN-32 विमानों को भारत मंगवाया गया और कम और मध्यम हवाई दूरी के लिए सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए, साथ ही किसी भी आपदा के समय यानी कि नेचुरल डिजास्टर के समय घायलों को अस्पताल ले जाने में और युद्ध के समय जवानों को एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने रूस से 125 विमान खरीदे और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 105 अभी सेवा में है और अभी भी पूरे बेड़े का आधुनिकीकरण हो रहा है और AN-32 में कई आधुनिक उपकरण लगाए जा रहे हैं, जैसे नए ऑक्सीजन सिस्टम, बेहतर क्रू सीटें। इसके अलावा इसमें एवियोनिक्स उपकरण भी शामिल किए जा रहे हैं और इनमें से अधिकतर विमान भारत में ही अपग्रेड किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें AN-32 की स्पेसिफिकेशन की तो आपको बता दें कि इस विमान की जो लंबाई है वो करीबन 23.78 मीटर है और इसका विंग स्पैन 29.20 मीटर का है। अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 8.75 मीटर है। विंग एरिया इसका 75 m² है और अगर बात करें इसके एम्प्टी वेट की तो इसका एम्प्टी वेट है 16,800 किलोग्राम और उपयोगिता वाला जो लोड है वो है 6,700 किलोग्राम का। अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात की जाए तो इस विमान का 27,000 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है। पावर देने के लिए इसमें दो ZMKB प्रोसेस AL-20DM टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं जो कि 3,812 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर इसकी गति की बात की जाए तो ये 530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। दोस्तों अगर इसकी क्रूज स्पीड की बात की जाए तो 470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी क्रूज स्पीड मानी जाती है। बात करें इसकी रेंज की तो इसकी रेंज है करीबन 2,500 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो 9,500 मीटर है। दोस्तों कुल मिलाकर AN-32 को एक भरोसेमंद प्लेन कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ी और तकनीकी खराबियां तो हर प्लेन में आती हैं, लेकिन अगर समय के साथ इनको अपग्रेड किया जाए तो शायद इतने बड़े जो हादसे होते हैं इन प्लेन से वो नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 25 मार्च 1986 को पहली बार इस विमान के लापता होने की घटना सामने आई थी, जब सोवियत संघ से एक डिलीवरी उड़ान के दौरान ये विमान हिंद महासागर में गायब हो गया था। वहीं 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहे विमान लापता हो गया था और इसमें भारतीय वायुसेना के 12 जवान, 6 क्रू मेंबर और एक नौसैनिक और एक सेना का जवान और एक ही परिवार के 8 सदस्य मौजूद थे। इसकी तलाश में एक पनडुब्बी, 8 विमान और 13 पोत लगाए गए थे। इस विमान का लापता होना एक गुत्थी बन गया है। इसका ना तो मलबा मिला है और ना ही इसके यात्री। दोस्तों AN-32 विमान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कई वेरिएंट्स भी हैं, जैसे AN-32A, AN-32B, AN-32B100, AN-32B110, AN-32B120। दोस्तों आपको बता दें कि मिलिट्री के क्षेत्र में एंगोला, बांग्लादेश, कोलंबिया, इराक, मैक्सिको, पेरू, श्रीलंका, सूडान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, क्रोशिया, जॉर्डन, इथोपिया, लीबिया, मंगोलिया, रवांडा और तंजानिया जैसे देश इस जहाज का इस्तेमाल मिलिट्री के रूप में करते हैं। तो दोस्तों यानी कि ये जो घटना हमारे सामने आई है ये एकमात्र एक संयोग भी कहा जा सकता है और अगर इसके इंजन में कुछ खराबी आई है तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है और जिसको समय रहते ठीक किया जाना चाहिए। AN-32 विमान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस फ्लीट को बंद कर देना चाहिए? क्या इस फ्लीट का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए या फिर इनको अपग्रेड करके एक सही तरीके से इनको अपग्रेड करके इसका इस्तेमाल वापस किया जाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये पहली घटना नहीं है जिसमें ये विमान क्रैश हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि विमान का जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें बैठे हुए अनुभवी पायलट, बेकसूर लोग जो मारे जाते हैं, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस प्लेन के बारे में, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।